17 सितंबर 1950 को जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो गए हैं। मोदी सरकार ने आज के लिए बड़ी प्लानिंग की है। आज विश्वकर्मा जयंती भी है। नए संसद भवन में एक जबरदस्त प्रोग्राम आयोजित होगा और इस प्रोग्राम में औपचारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। हमने सोचा क्यों ना आज के दिन आपको पीएम मोदी के परिवार की पूरी कहानी बताई जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पीएम मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका परिवार आज भी मध्यम वर्गीय जीवन जी रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने से पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उनका परिवार चकाचौंध से दूर ही रहता था। पीएम मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। दामोदर दास मोदी चाय बेचते थे, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दामोदर दास और हीराबेन मोदी के 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी 6 भाई बहनों में 3रे नंबर के हैं। पीएम मोदी सोमा भाई और अमृत भाई से छोटे हैं, प्रहलाद और पंकज से बड़े हैं। नरेंद्र मोदी की एक बहन भी है, उनका नाम बसंती बेन है। अब एक एक कर आपको पीएम मोदी के परिवार वालों से मिलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोमा भाई मोदी की। सबसे बड़े भाई हैं, वडनगर में एक वृद्धाश्रम चलाते हैं। वे हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और अब रिटायर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और सोमा भाई के संबंध कैसे हैं, उसका एक किस्सा बताते हैं आपको। 2015 की बात है, मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। पुणे में एक NGO का फंक्शन था। लोगों में उत्साह था कि प्रधानमंत्री के भाई बोलने आ रहे हैं। सोमा भाई माइक पर आए और उन्होंने कहा, मेरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक स्क्रीन है, एक पर्दा है। आप वो स्क्रीन देख नहीं सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूँ, ना कि प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री मोदी के लिए मैं केवल भारत के 125 करोड़ लोगों में से एक हूँ जो उनके भाई बहन हैं। अब आपको मिलवाते हैं अमृत भाई मोदी से। अमृत भाई मोदी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, फिटर के तौर पर। 2005 तक उनकी तनख्वाह 10,000 रुपयों से कम थी। अब रिटायर हो चुके हैं और अपने बेटे बहू के साथ अहमदाबाद में 4 कमरों के घर में रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम चंद्रकांता बेन है। अमृत भाई मोदी के बेटे संजय मोदी की मशीन के पुर्जों की दुकान है। इंडिया टुडे के साथ हुई बातचीत के मुताबिक संजय के परिवार का पीएम मोदी से कम ही मौकों पर मिलना हुआ है। संजय ये भी बताते हैं कि उनके पास एक आयरन है। ये वही आयरन है जिसे नरेंद्र मोदी 1969 से 1971 में अहमदाबाद में रहने के दौरान इस्तेमाल करते थे। उन्होंने घर वालों को इसे कबाड़ में नहीं बेचने दिया और संभाल कर रखा है। कहते हैं अगर काका इसे देखें तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे टाइटैनिक का अवशेष मिला हो। ये घर भी उन्हें म्यूजियम जैसा लगेगा। इस घर में सिन्नी ब्रांड का वो पंखा भी है जिसे मोदी गर्मी में इस्तेमाल करते थे। अब बात कर लेते हैं प्रहलाद मोदी की। प्रहलाद मोदी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले वो राशन की दुकान चलाते थे, फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब प्रहलाद ने अपने बड़े भाई की खूब आलोचना भी की थी। उन्होंने दुकान मालिकों पर छापेराज के खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया था। बसंती बेन मोदी। नरेंद्र मोदी की इकलौती बहन है बसंती बेन मोदी। होममेकर हैं और पति हसमुख लाल LIC में सेवारत थे। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने मीडिया के सामने आकर बहुत खुशी जाहिर की थी। अब आखिर में पंकज मोदी की बात। पीएम मोदी के सबसे छोटे भाई हैं। इनकी पत्नी का नाम है सीता बेन। गांधीनगर में रहते हैं। पंकज गुजरात सूचना विभाग से रिटायर हुए हैं। हीराबा इन्हीं के साथ रहती थी और इसी वजह से पंकज पीएम मोदी से अक्सर मिलते रहते थे। आपको ये भी बता दें, 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के दौरान हीराबेन मोदी का पूरा परिवार उन्हें आखिरी प्रणाम करने पहुंचा था। उनके सभी बेटे और बेटी, नाती पोते सब मौजूद रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।